आदमखोर लेपर्ड के हमले से 9 मौतों के बाद उदयपुर जिले के 3 कस्बों के 15 गांवों में दहशत है। लोग दिन में भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। लेपर्ड बार बार उन्हीं इलाकों में हमले कर रहा है। अब तक 10 हमलों में सामने आया है कि लेपर्ड अपने शिकार को गले से दबोचते हुए सीने और हाथ पर वार करता है। इससे अंदेशा है कि एक सभी हमले करने वाला लेपर्ड एक ही है। वन विभाग ने लेपर्ड को देखते ही मारने का आदेश भी जारी कर दिया है। हैदराबाद से आए शूटर शाफत अली खान के साथ ही राजस्थान के 12 अन्य शूटर, सेना के जवान और वन कर्मी जंगल की खाक छान रहे हैं। उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा तहसील है। लेपर्ड ने गोगुंदा की 7 ग्राम पंचायत, झाड़ोल की 2 और बड़गांव की 1 ग्राम पंचायत में हमले किए हैं। इन हमलों में 9 की मौत हुई। इन सभी गांवों के घर पहाड़ियों पर है। लेपर्ड ने सबसे पहले 9 सितंबर को झाड़ोल ग्राम पंचायत की महिला का शिकार करते हुए उसका सिर खाकर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरीके से 25 सितंबर को मजावत ग्राम पंचायत के कुड़ाऊ गांव की 5 साल की बच्ची का शिकार किया। फिलहाल लेपर्ड को बड़गांव पंचायत समिति की मदार पंचायत में तलाशा जा रहा है। 30 सितंबर को राठौड़ों का गुड़ा गांव में लेपर्ड ने 65 वर्षीय पुजारी विष्णु को मार दिया। उसके अगले दिन 1 अक्टूबर को सुबह पड़ोसी गांव केलवों का खेड़ा फला में 55 साल की महिला का शिकार किया। सबसे पहले केलवों के खेड़ा गांव की बात करें तो उदयपुर के 2 DFO अजय चित्तौड़ा और मुकेश सैनी वहां हैं। DFO चित्तौड़ा का कहना था कि 25 सितंबर को मजावत के कुड़ाऊ गांव की भील बस्ती में 5 साल की बच्ची सूरज के शिकार से लेकर अब तक जिसको भी लेपर्ड ने मारा है उसको सीधे गले से पकड़ा है। बताते हैं कि इसके बाद गुजरों का गुड़ा, राठौड़ों का गुड़ा और केलवों का खेड़ा में जिन पर लेपर्ड ने हमला किया उन सभी को गले से ही दबोचा गया है। पैटर्न एक है। इसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सभी लोगों का शिकार एक ही लेपर्ड कर रहा है। वहीं विजयवाड़ी पंचायत की भी बात करें, गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आवाज सिर्फ सरकारी गाड़ियों की आती है। पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट और सेना के जवान वहां आते हैं, तब जाकर लोग घरों से बाहर निकलते हैं। वहां के रामलाल कहते हैं कि सभी को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर भी डर बना हुआ है। जरूरी काम या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ग्रुप बनाकर और हाथों में लाठियां लेकर जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी घर घर सूचना पहुंचाई जा रही है। अभी पुजारी और अगले दिन एक महिला के शिकार के बाद पड़ोसी गाँव में भी खौफ है। बांसड़ा, विजय बावड़ी, सुआतों का गुड़ा, केलवों का खेड़ा, राठौड़ों का गुड़ा, मदाड़ा पंचायत के भादवी गुड़ा, कासबा पंचायत के जोगियों का गुड़ा, बगदुंडा पंचायत मजान गांव में लेपर्ड को लेकर लोग काफी घबराए हुए हैं। मदार गांव के भगवती लाल कहते हैं कि रोज लेपर्ड एक आदमी को खा रहा है, महिलाओं पर ज्यादा हमला कर रहा है। रात को हम घर के अंदर ही बंद रहते हैं, जो निकल जाता है उसके साथ क्या हुआ ये सबके सामने है। मवेशियों का चारा लेने तक नहीं जा पा रहे। हर एक आदमी को खा रहा है, लेडीज को ज्यादा खा रहा है। हम खेत पर भी चारा लेने नहीं जा रहे। रात को हम घर से बाहर भी नहीं निकलते, घर के अंदर ही रहते हैं। जो निकल जाता है वो ऐसी घटना घट जाती है आए दिन। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।